थैंक यू सो मच। गाना है आपका, क्या कुछ कहना चाहोगे गाने को लेके एंड लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है सॉन्ग को लेके? जितने मेरे फ्रेंड्स को मैंने गाना सुनाया, मेरे फैमिली मेंबर्स को, सबको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड पर्सनली मेरा फेवरेट गाना है ये। लाइक इस गाने पे मैं जितनी मर्जी गेड़ियाँ मार सकता हूँ, दोस्तों के साथ ग्रूव कर सकता हूँ, इवन क्लब्स में पार्टी कर सकता हूँ। सो इट्स अ सॉन्ग जो हर वाइब में मैच होता है। हाउस पार्टीज चल रही हैं, सो ऐसे गाने आई फील लाइक काफ़ी चलने चाहिए। एंड आई फील लाइक कि इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आपने अगर वाइब सुनी है इसकी और लिरिक्स पे अगर आप गौर दोगे, लिरिक्स आर सुपर नाइस। समय ने बहुत अच्छा लिखा है, ग्रूवी वाइब है काफ़ी ज़्यादा। आप बताना चाहोगे किस तरह से शुरुआत हुई गाने को लेके, क्या कुछ था आपके प्लान गाने को लेके? ये गाना जब हमने बनाना शुरू किया था, मतलब एक स्टार्टिंग में जब स्क्रैच बनता है ना, तो तभी समझ में आ गया था कि इसमें अगर हम म्यूजिक में खेल पाए तो भाई साहब ये वाइब कुछ तगड़ी हो सकती है। और शो ने जो फ्लूट डाली है बीच में, इट्स क्रेजी। मतलब उस फ्लूट से अपना गाना बहुत ऊपर लग रहा है। मतलब द ऑडियो इज़ रियली नाइस एंड वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज। एडिटिंग में बहुत मेहनत लगी है सबकी, मेरी, प्रोड्यूसर की, एडिटर की, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट आया, आई एम लाइक वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड सारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं टू मेक दिस अ बिग वन। ध्रुव, फ्रॉम ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम स्प्लिट्सविला टू अभी अपने खुद के गाने लेकर आना सामने हम सभी के, और जिस तरह से आपके गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपका एक और गाना आया था, और इस गाने में भी हम देखें इंडियन जो एक इंडी पॉप टच दिया है आपने गाने को, जिसमें फ्लूट का जो कमाल और साथ ही साथ जो वेस्टर्न पॉप स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, तो व्हाट इज एक्चुअली यू आर प्रमोटिंग दिस सॉन्ग? इट्स फॉर द मोर कमर्शियल पर्पज या फिर इट्स अ आर्ट? ये मेरा खुद का मन था एक ऐसा गाना करने का, अर्बन वाइब का। अगर आप मेरे से मेरी वाइब पूछो, सो आई फील लाइक मेरे को मेलोडियस गाने आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दोस सॉन्ग। मैं बहुत आराम से गा पाता हूँ। बट मेरा अपना मन था एक अर्बन गाना करने का, जो कि शायद मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल चुका है। एंड आगे भी कमर्शियल ट्रैक्स करूँगा फॉर श्योर, बिकॉज आई फील लाइक वेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव, तो तुम्हारे कैटलॉग में कुछ ऐसे गाने होने चाहिए जिसमें पब्लिक टपे थोड़ी। If you want to tell something about the label जिस पे ये गाना आया है, I feel like it, मैंने एक stepping stone अपनी जीवन में पार कर चुका हूँ क्योंकि मेरा वायरल से गाना है। सो इट्स अ बिग नेम, सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी चल रही है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से भी। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम विल मेक दिस। करियर की मैं बात करूँ तो योर करियर इज वेरी यंग राइट नाउ, बीइंग अ 21 करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, 22 टर्न 22, हाउ डू यू सी योर करियर, हाउ यू हैव प्लान्ड, यू हैव डन अ रियलिटी शो आल्सो, किस तरह से करियर को लेके क्या कुछ फोकस रहता है आपको? जैसा हम रहता है ना कि आई हैव टू बी अ सिंगर, तो आई विल बी अ सिंगर, आपने सिंगिंग भी ट्राई किया एंड यू आल्सो लाइक यू हैव डन रियलिटी, तो मैं थोड़ा आपके करियर को लेके थोड़े सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका करियर देखते हो? स्टार्टिंग में मेरे प्लान्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट थे। सो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था स्कूल टाइम पे, मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में। सो आई वॉज लाइक कि मैं अपना जी मैट दे के देन आई विल गो टू US एंड वहाँ पे बिजनेस, बट देन स्प्लिट्सविला हैपेंड। और उसके बाद इंडस्ट्री में आने के बाद जब काफ़ी अच्छा ऑफर मिला, एंड आई वॉज लाइक मैं बचपन से ही गाता हूँ, मतलब कभी ऐसा ध्यान नहीं आया कि इस चीज़ को प्रोफेशनली करना है, ये करना है। बट फिर उसके बाद वैन आई फेल्ट लाइक कि नहीं भाई, ये ही है पैशन, मतलब देर इज़ नो प्लान बी फॉर मी, अब सिंगिंग ही सिंगिंग है। लाइक देर इज़ नो प्लान बी, ऐसा कुछ मैं नहीं सोच रहा कि सिंगिंग में नहीं चला तो दूसरी जगह जाऊंगा। फॉर मी इट्स लाइक इधर चलना ही चलना है, तो और कोई है ही नहीं रास्ता। ध्रुव, ये जो लेबल की आपने बात की, बताया आपने, इस लेबल में कभी हैव यू एवर थॉट टू ब्रिंग योर ओन लेबल? एज लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री जो है लेबलाइजेशन के अंडर में आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बहुत दब जाते हैं, तो हैव यू एवर थॉट इन योर माइंड कि अपना खुद के लेबल आके उस पे इंडिपेंडेंट ट्रैक्स डालें? फॉर नाउ अभी ऐसा कुछ प्लान में है नहीं, क्राइटेरिया में। सी ऑनेस्टली आई फील लाइक कि स्टार्टिंग में एकदम से स्क्रैच से अगर कोई भी बंदा चलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी उसको, मतलब नीचे से ऊपर उठने में। सो आई फील लाइक कि बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाता है अगर आपके साथ एक काफ़ी बड़ा लेबल का नाम जुड़ा हो, एंड दे आर ऑल्सो लाइक प्रमोटिंग द सॉन्ग, एंड पूरी टीम होती है। सो इंडिविजुअली मैं उतना नहीं कर सकता, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सो आई फील लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एंड वायरल पे आप गाने देखो यार, कितने बड़े बड़े। सो Also, you have been part of Splitsvilla. So, Splitsvilla के बाद have you ever thought कि कभी वापस reality करेंगे या फिर? अभी तक ऐसा दिमाग में नहीं है। Reality अब तभी करूँगा जब as a singer properly established हो जाऊँगा, कि reality अब सिर्फ एक शौक के लिए, क्योंकि मैं Splitsvilla में सबसे ज़्यादा miss करता हूँ वो 30 दिन
जो जर्नी जी थी मैंने. सो आई फील लाइक कि जीवन में कभी आगे जाके, बट सिंगर प्रॉपरली एस्टैब्लिश होने के बाद शायद बिग बॉस कर सकते हैं. और इस स्प्लिट्स विला में जो आपकी बॉन्डिंग देखी गई थी व्योमेश और केविन के साथ, उसके बाद आगे हाउ इज गोइंग? व्योमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो हमेशा रहेगा. एंड केविन, केविन इज आल्सो अ गुड फ्रेंड. एंड एकांश, हां एकांश इज व्योमेश इज कजिन. ध्रुव, इसके अलावा मैं गाने को लेके अगर बात करूं तो कुछ जिस तरह रैप कल्चर होता है या फिर हिप हॉप हो गया, अलग अलग देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ सॉन्ग, सो किस में अगर लाइक फोकस है आपका कोई, ऐसे रैप में फोकस है, हिप हॉप में फोकस है कुछ अगर? नहीं, मेरे लिए रैप तो मैं ज़्यादा सुनता भी नहीं हूँ रैप, और मैं ज़्यादा वाइब भी नहीं करता हूँ रैप पे. बट अगर आप मिडनाइट सुनोगे सो इट्स अ वेरी कमर्शियल ट्रैक, मतलब हार्ड कोर रैप नहीं है कोई, बड़ा ग्रूवी गाना है. सो जनरली भी मैं ऐसे गाने सुनता हूँ, लाइक ए पी डिल्लो शुभ के गाने चल रहे हैं आजकल, बट हम उनसे भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मिडनाइट अगर आप सुनोगे एकदम डिफरेंट ही वाइब है. मतलब उन्होंने भी ये चीज़ नहीं करी अभी, मतलब जो फ्लूट का पीस है टू बी वेरी प्रिसाइज, किलर है. जिस तरह लाइक मैंने जब मैं मिडनाइट सुन रहा था तो मुझे कोई हद तक ऐसी फीलिंग आ रही थी जिस तरह गुरु रंधावा अपने गाने बनाते हैं, उस टाइप के थोड़े फीलिंग, नॉट अ प्रॉपर रैप, एक रहता है कमर्शियल ट्रैक्स. दिलजीत जैसे गाने करते हैं, मतलब मिडनाइट इज काइंड ऑफ सॉन्ग कि चार बंदे गाड़ी में जा रहे हैं अपना कहीं भी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो गाना ऑन रिपीट सुन सकते हैं. मिडनाइट ही क्यों ऐसा टाइटल? क्योंकि आई फील लाइक कि उसका जो हुक है उसके लिरिक्स हैं अद्धी अद्धी रात कुड़े अखियां मिलोन ली. सो अगर हम अद्धी अद्धी रात रखते हैं, मतलब आजकल कल्चर भी चल रहा है और ऐसे, और अद्धी अद्धी रात थोड़ा ऐसे नॉर्मल सा लगता है. सो मिडनाइट थोड़ा सा कैची है कि मतलब थोड़ी अर्बन वाइब है, क्योंकि आजकल सारे इंग्लिश टाइटल रखने लग गए हैं, उनसे कोई इंस्पायर होके नहीं. बट अद्धी अद्धी रात नाम से और भी गाने हैं. अद्धी अद्धी रात अगर मैं आपको बोलूंगा आपके दिमाग में बिलाल सईद का गाना आएगा, तो उससे ऊपर जाना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. मिडनाइट नाम से बड़े गाने नहीं है. अरिजीत सिंह तो भाई लेजेंड, बट फॉर नाउ आई फील लाइक जिनकी आवाज मेरे को सबसे ज्यादा, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ सबसे ज्यादा प्यारी लगती, दैट्स विशाल मिश्रा. आपके अगर यही गाने मिडनाइट के दो तीन लाइनें अगर सुना तो हमारे दर्शकों के लिए? अच्छा अच्छा, सो उसका पैरा गोज लाइक, बुझे पानी तो ना प्यास तेनू मंगा हीरिए, हद्दा प्यार दिया सारिया मैं लंगा हीरिए, जे तू दिस दी ना हुंदा मैं शदाई फिरदा, ऐदा नजरा चुराना नहीं ओ चंगा चंगा चंगा, दवे हक जे तू थोड़ा थोड़ा तेरे ते जताण ली, अद्धी अद्धी रात कुड़े, ओ अद्धी अद्धी रात कुड़े, अखियां मिलाउण लई तरसी मैं जावां तेरी बाहां विच खोण लई, इन्नी आ के बस मेरी रीजा सोनिए, होवे तू दूजा मैं ते ना तीजा सोनिए. इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं. हां काफी अच्छे. ध्रुव, लास्ट ईयर वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि सिंगिंग आपको स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है एंड अभी यू हैव बिकम वन ऑफ द, एक रिन्यून आपने एस्टैब्लिश कर लिया है अपना सिंगिंग में, आप गाने देते रहते हैं हमें टाइम टू टाइम अपने साइड से, तो हैव अभी जब आपका करियर का इनिशियल टाइम था तो आपने कभी ट्राई किया टू गो इनटू द सिंगिंग रियलिटी शो जो कि काफ़ी हाइक देने हैं? इट वाज एवर इन योर माइंड टू गो देयर? नहीं, मेरे दिमाग में एक्चुअली कभी आया नहीं था. स्प्लिट्सविला के बाद लाइक सिंगिंग हैपेंड मेरे लिए कह सकते हो, कि मेरे को एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो आई वाज लाइक कि हाँ कर सकते हैं. स्प्लिट्सविला जर्नी, एंटायर स्प्लिट्सविला जर्नी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. Thank you so much. Lastly, if you want to pitch something to your audience, जो कि आपके गाने को already इतना प्यार दे रहे हैं और बनाए रखे हैं अपने प्यार को, उसके लिए अगर अपने side से audience को pitch देना चाहें तो? I feel like हर इंसान को midnight एक बारी सुनना चाहिए, and I am like 200% sure अगर एक बारी कोई midnight सुनेगा तो वो बारी बारी सुनेगा. I am really that much confident क्योंकि वो इतना प्यारा प्यारी चीज़ बनाई है. So एक बारी सुनो, दोस्तों को शेयर करो, लाइक मेक योर रील्स कॉन्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जा सकते हैं. लाइक आई एम गोना प्रोबेबली शूट बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस में इसकी रील्स एंड स्टफ. सो एक बार ही सुनो एंड फिर आप खुद ही सुनोगे, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.